नमस्कार, मैं विनोद मिश्रा, डीवी भारती देवी पाटन मंडल हेड। हम आए हुए हैं जनपद बलरामपुर, जनपद बलरामपुर तहसील तुलसीपुर के अंतर्गत। यहाँ सीएससी पर हम इस समय उपलब्ध हैं और अभी जल्द ही सीएससी के अधीक्षक महोदय के ऊपर प्रत्यारोप गलत हैं या सच हैं, कहाँ तक सच हैं और कहाँ तक गलत हैं, इसका पुष्टि करने हम आए हुए हैं। आइए अधीक्षक महोदय का थोड़ा सा बयान उपलब्ध कराया जाए अपने चैनल के माध्यम से, और क्या सच्चाई है, सच्चाई से अवगत हमें कराएं। नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम डॉक्टर सुमन सिंह चौहान है। जी सर। अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर। जी सर। बाकी आपके प्रश्न? प्रश्न ये है सर कि जैसे जो आपके ऊपर अभी वायरल हो रहा है पेपरों में, चैनलों पर, मीडिया पर, इसका क्या रीजन है? देखिए, एक आशा बहू को लेकर, देखिए इसमें मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। जी सर। ये हमारी कार्य प्रणाली है, क्योंकि हमारे ऊपर सरकार का जी और जनता को लाभ देने के लिए बहुत ज्यादा दबाव है। जी सर। और हमें जनता को अधिक से अधिक माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी आदेश निर्गत किए जाते हैं उन लाभों को पहुँचाना है। जी। किंतु कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो हमारे बीच का रोड़ा बनता है। वो ये नहीं चाहता कि ये संसाधन जो माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए जाने हैं वो वहाँ तक पहुँचे, इसलिए वो बीच का रोड़ा बन करके ऐसे ऑब्स्टेकल्स बीच बीच में खड़े करने की कोशिश करते हैं। रही बात इसमें जो ये प्रकरण हुआ है, इसमें सीधा सा एक प्रकरण ये था कि माननीय जिला अधिकारी महोदय, इससे पूर्व के जो श्री अरविंद कुमार जी सर, उनके द्वारा हम सभी इंचार्जों को एक आदेश निर्गत किया गया था कि आपके यहाँ जो भी प्रसव हो रहे हैं वो प्राइवेट में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और डेथ भी उसमें बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिस पर उनके द्वारा ये संज्ञान में लिया गया कि आप अपने यहाँ से उन 5-5 आशाओं के नाम जो प्राइवेट प्रसव में प्रसव करा रही हैं उनको जो है ले जाए। जी। उनको आप देखें और चिन्हांकन करके हमको सूचना दें। इस पे 9 ब्लॉकों ने अपने जो है वो, किसी ने 4, किसी ने 5, पुत्रौला ने सबसे ज्यादा दी थी, हमने 5 आशाओं का नाम दिया था। जी। तो 5 आशाओं में से सभी को नोटिस इशू की गई, पहली नोटिस, क्योंकि ये कोरम होता है कि सबसे पहले आप नोटिस दे सकते हैं किसी के भी कार्रवाई करने से पूर्व। तो मैं, क्योंकि आशा हमारी कोई, जिसे कहते हैं कि हमारी एक कार्यकर्ती है, हमारी कोई कर्मचारी नहीं है। जी। ठीक है ना, इस जीवों की वो वेतन भोगी नहीं है। जी। वो अपने कार्य पर जितना कार्य करती है उसके आधार पर उसको वेतन मिलता है। जी। तो उसी में से 4 आशाएं ऐसी थी जो 2 लेटर के बाद अपना स्पष्टीकरण और उनमें सुधार आया, उन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, डिलीवरी को रोक दिया, अब संस्थागत प्रसव करा रहे कि, तो इनके द्वारा जो है, जिनके द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया, सावित्री देवी, इनके द्वारा कोई भी ना तो सुधार किया जा रहा था ना ही आरोपों को खत्म किया जा रहा था। मेरे जो भी मैं इनको बार बार बोल रहा था उसको ये कंप्लायंस कर रही थी, तो फिर मुझे फाइनली इनको एक तीसरा लेटर देना पड़ा, जो कि नियमानुसार होता है कि 3 लेटर के बाद मुख्य चिकित्सा आरोप लगाए हुए। सर कितने महीने हो गए? 1 महीने से ऊपर हो गया है। 1 महीने से ऊपर हो गया, फिर ये अब मीडिया में क्यों आया? अब ये बात बता पाना तो बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं मैंने आपसे बोला कि प्राइवेट वाले और कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो हमारी योजनाओं को फेल करना चाहते हैं। जी। और सरकार की योजनाओं पर पानी फेरना चाह रहे हैं। जी, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि, क्योंकि उनकी दुकान ठंडी हो रही है, मेरे यहाँ पे बैठने से कई लोगों को नुकसान हो रहा है, कई प्राइवेट नर्सिंग होमों को नुकसान हो रहा है। जी सर। क्योंकि उनकी दुकानें कुछ कम हो रही हैं, क्योंकि मेरा प्रसव बढ़ता जा रहा है और जब मेरा प्रसव बढ़ेगा तो उनका प्रसव कम होगा, तो निश्चित से कि जिसने बड़ा पैसा लगाया है, बड़े नर्सिंग होम में अपने को एस्टेब्लिश किया है, तो उसके पास खर्चे भी हैं, तो खर्चे नहीं निकल पाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।